नमस्कार दोस्तों, पिनकल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 18 जनवरी के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है वो भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। फर्स्ट EMRS स्पोर्ट्स मीट 2019 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? EMRS की फुल फॉर्म है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, हिंदी में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। तो पहली EMRS स्पोर्ट्स मीट 2019 का उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में, और इस स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया है आदिवासी कल्याण आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसाइटी ने। किस बैंक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6000 करोड़ रुपए के फंड इन्फ्यूजन को मंजूरी दी है? इन विच बैंक द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फंड इन्फ्यूजन ऑफ 6000 करोड़। तो उस बैंक का नाम है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक की फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, और जो ये 6000 करोड़ का इन्फ्यूजन है ये 2 साल तक किया जाएगा, और इस इन्फ्यूजन से एक्सिम बैंक को अपने व्यवसाय के विस्तार में मदद मिलेगी। बात आई है एक्सिम बैंक की, तो इसकी फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके जो CEO है उनका नाम है डेविड रस्किन्हा, और इसका गठन हुआ था 1982 में। फ्रेंको जर्मन मानव अधिकार पुरस्कार किसने जीता है? हु वॉन द फ्रेंको जर्मन ह्यूमन राइट्स अवार्ड? तो जिन्होंने फ्रेंको जर्मन मानव अधिकार पुरस्कार जीता है उनका नाम है यू वेनसेंग। ये एक चीनी वकील है जिन्हें दीर्घकालिक प्रदूषण के लिए बीजिंग सरकार पर मुकदमा करने के लिए जाना जाता है। मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविजन चैनल कहां लॉन्च किया गया है? वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट टेलीविजन चैनल डेडिकेटेड टू ह्यूमन राइट्स इज लॉन्च? तो ये चैनल है, ये लॉन्च हुआ है लंदन में, और इस चैनल को इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा लॉन्च किया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ट्विटर पर नो योर बजट श्रृंखला शुरू की है? तो जिस मंत्रालय ने ये की है उस मंत्रालय का नाम है वित्त मंत्रालय, और जो हमारे देश के वित्त मंत्री है उनका नाम है अरुण जेटली। और ट्विटर के CEO का नाम क्या है? ट्विटर के CEO का नाम है जैक डॉर्सी, और ये ट्विटर के संस्थापक भी है यानी फाउंडर। तो जो ये वित्त मंत्रालय द्वारा ट्विटर पर नो योर बजट यानी अपने बजट को जाने श्रृंखला शुरू हुई है, तो यह श्रृंखला बजटीय प्रक्रिया के बारे में आम जनता को शिक्षित करने का एक प्रयास है। भारत रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन कहां किया गया है? वेयर इज 10th एडिशन ऑफ द इंडिया रबर एक्सपो 2019 इनॉग्रेटेड? तो भारत रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है मुंबई शहर में, और जो ये एक्सपो है इसे एशिया का सबसे बड़ा रबर एक्सपो माना जाता है। तो मुंबई किस राज्य की राजधानी है? तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, उसके मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, और महाराष्ट्र के राज्यपाल है सी विद्यासागर राव। किस राज्य ने सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी स्कैट फॉर्म परियोजना शुरू की? तो जिस राज्य ने सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना शुरू की है उस राज्य का नाम है त्रिपुरा, और यह परियोजना लक्षित जल ग्रहण क्षेत्रों में वनों को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो बात त्रिपुरा राज्य की आती है, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लब कुमार देब, और त्रिपुरा के राज्यपाल का नाम है कप्तान सिंह सोलंकी।
सभी महाद्वीपों में सात सबसे ऊंची चोटियों और ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय और सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत और इन्होंने ये 35 वर्ष और 262 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की और इसके बाद सत्यरूप सिद्धांत सभी महाद्वीपों में सात सबसे ऊंची चोटियों और ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय और दुनिया में सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो ये सवाल है आपके लिए, इसका जवाब आपको मुझे कमेंट में बताना है। सवाल है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेयर इज गांधीयन रिसर्जेंस समिट इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर भी करो, और अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।